C++ में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu OS वर्जन 11.10, G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1। अब क्लासेस के परिचय के साथ शुरू करते हैं। क्लास एक कीवर्ड क्लास प्रयोग करके बना है। इसमें डेटा और फंक्शंस होते हैं। क्लास कोड और डेटा को लिंक करता है। क्लास के डेटा और फंक्शंस क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स पर जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स हैं। ये एक क्लास की कॉपी हैं। उनमें से प्रत्येक प्रॉपर्टीज और बिहेवियर रखता है। प्रॉपर्टीज डेटा एलिमेंट से परिभाषित होती हैं और बिहेवियर मेथड्स नामक मेंबर फंक्शन से परिभाषित होता है। अब क्लास के लिए रचनाक्रम देखते हैं। यहाँ क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास को परिभाषित करने में प्रयोग होता है। क्लास नेम क्लास का नाम है। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हैं। और यहाँ हमने वो डेटा मेंबर्स और वो मेंबर फंक्शंस जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड परिभाषित किए हैं। हम क्लास को इस प्रकार बंद करते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। मैंने एडिटर पर कोड पहले टाइप कर लिया है। मैं इसे खोलूंगी। ध्यान दें, हमारा फाइल नेम class-obj.cpp है। इस उदाहरण में हम क्लास प्रयोग करके स्क्वायर के एरिया की गणना करेंगे। मैं अभी कोड समझाती हूँ। यह आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हम एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग कर रहे हैं। यह स्क्वायर नामक क्लास के लिए घोषणा है। यहाँ मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर घोषित नहीं किया है, अतः डिफॉल्ट रूप से यह प्राइवेट है। इसलिए वेरिएबल एक्स क्लास स्क्वायर का प्राइवेट मेंबर है। यह पब्लिक स्पेसिफायर है। फंक्शन एरिया पब्लिक फंक्शन है और इस प्रकार हम क्लास बंद करते हैं। अब एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में अधिक जानने के लिए अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। पब्लिक स्पेसिफायर डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस करने की अनुमति देता है। एक पब्लिक मेंबर प्रोग्राम में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। प्राइवेट स्पेसिफायर प्राइवेट की तरह घोषित मेंबर्स क्लास के बाहर प्रयोग या एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स केवल क्लास के मेंबर्स के द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। ये डिराइव्ड क्लास से एक्सेस किए जा सकते हैं। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। यहाँ इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्लास नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम। हमें यह ऑपरेटर प्रयोग करना जरूरी है। यह स्पष्ट करता है कि फंक्शन एरिया ग्लोबल फंक्शन नहीं है। यह क्लास स्क्वायर का एक मेंबर फंक्शन है। यहाँ हमने इंट ए आर्गुमेंट पास किया है। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में अधिक जानने के लिए स्लाइड्स पर वापस आते हैं। यह छुपे हुए डेटा को एक्सेस करने में प्रयोग होता है। फंक्शन या वेरिएबल को उसी नाम के साथ एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। माना कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम समान हैं। वरीयता लोकल वेरिएबल को मिलती है। हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रयोग करके ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। अब अपना प्रोग्राम खोलें। यहाँ a की वैल्यू x में संचित होती है। फिर हम स्क्वायर का एरिया रिटर्न करते हैं। यहाँ x एक प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट पैरामीटर एक्सेस करने के लिए हमने पब्लिक मेंबर a प्रयोग किया। प्राइवेट मेंबर्स हमेशा छुपे रहते हैं। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ sqr क्लास स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास नेम के आगे ऑब्जेक्ट नेम। यहाँ हम ऑब्जेक्ट sqr और एक डॉट ऑपरेटर प्रयोग करके फंक्शन एरिया को कॉल करते हैं। फिर हम आर्ग्यूमेंट्स को 4 देते हैं। हम x की वैल्यू को 4 सेट करते हैं।
यह हमारा return statement है। अब save पर click करें। अब program को निष्पादित करते हैं। अपने keyboard पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज दबाकर terminal window खोलें। Compile करने के लिए type करें g++ space class hyphen obj.cpp space hyphen o space class। Enter दबाएं। Type करें /class। Enter दबाएं। Output प्रदर्शित होता है। Area of the square is 16। अब अपने program पर वापस आते हैं। अभी तक हमने देखा, data और functions class में एक साथ संयुक्त होते हैं। Class single unit है, जिसमें उनका प्रयोग करके data और function को group किया जाता है। यह mechanism encapsulation कहलाता है। फिर हमने private और public members के साथ class देखा है। Private data छुपा हुआ है। इसको class के बाहर access नहीं किया जा सकता। यह mechanism data abstraction कहलाता है। Interface दिखता है, पर कार्यान्वयन छिपा रहता है। यह हमें इस tutorial के अंत में लाता है। अब अपनी slides पर वापस आते हैं। इसको सारांशित करते हैं। इस tutorial में हमने सीखा encapsulation, data abstraction, private members, int x, public functions, int area, classes, class square, object बनाना, square sqr, object sqr.area प्रयोग करके एक function call करना। एक नियत कार्य में एक program लिखकर दिए हुए circle का perimeter ज्ञात करें। निम्न link पर उपलब्ध video देखें। यह spoken tutorial project को सारांशित करता है। अच्छी bandwidth न मिलने पर आप इसे download करके देख सकते हैं। Spoken Tutorial Project Team Spoken Tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। Online test pass करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।